पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गए थे विवेक मुसरण, लेकिन बहुत जल्द गुमनामी के अंधेरे में खो गए। 1991 में फिल्म सौदागर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विवेक मुसरण अब गुमनाम हो चुके हैं। हालांकि विवेक का नाम उन स्टार्स के लिस्ट में शुमार होता है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही दर्शकों के बीच अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इस फिल्म में उनके साथ मनीषा कोइराला भी नजर आई थी। दोनों की लविंग केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई थी। वहीं इन दोनों के अफेयर की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म सौदागर में विवेक ने अपनी खूबसूरत एक्टिंग के साथ साथ अपने भोले चेहरे, प्यारी मुस्कान और मासूम आंखों से भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। 9 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में विवेक मुसरण का जन्म हुआ था। उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद विवेक ने मुंबई का रुख किया और 21 साल की उम्र में सौदागर से डेब्यू किया। इस फिल्म से उनका एक गाना भी जबरदस्त हिट हुआ था जिसे लोग आज भी गुनगुनाते हुए दिख जाते हैं। वो गाना था इलू इलू, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म के बाद विवेक को एक के बाद एक कई फिल्में मिली जिसमें सातवां आसमान, राम जाने और प्रेम दीवाने जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। उस दौर में विवेक ने कई बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और वो फिल्मों से गायब होने लगे। हालांकि फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपनी कोशिश में जुटे रहे। लेकिन साल 2000 में उन्होंने फिल्म अनजाने से कमबैक किया। इसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वो बेताब, छोटा सा घर, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, बात हमारी पक्की है जैसी कई फिल्म में साइड रोल में नजर आए, और फिर भी उन्हें फिल्म सौदागर वाली पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। इसके बाद विवेक ने टीवी शोज का रुख किया। वो सोनपरी, निशा और उनके कजिन्स, परवरिश जैसे हिट शो में भी नजर आए। कभी फिल्मों में लीड रोल निभाने वाले विवेक जल्द ही फिल्मों और टीवी में सपोर्टिंग किरदार निभाने लगे। हालांकि वो अपना हर रोल काफी सजगता से निभाते हुए दिखे, फिर भी वो सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल होने से चूकते नजर आए। विवेक मुसरण ने तमाशा, पिंक, बेगम जान में भी काम किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं। उन्होंने मर्जी, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, द हार्ट ब्रेक होटल और बैंड जैसी कई वेब सीरीज में अपनी दमदार परफॉर्मेंस दी है। अब विवेक का लुक भी काफी बदल चुका है, लेकिन वो अभी भी मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। आखिरी बार विवेक फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने करीना कपूर के चाचा का किरदार निभाया था, जिसे व्यूअर्स ने खूब पसंद भी किया था।